देखिए शुरू करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी है, इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। पूरा इंक, एक मिनट हम समय लेंगे आपके इसमें इंक फिलअप करने। तो क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, ऐसा लिखेंगे। ए क्रॉस का साइन देंगे डॉट से। ए क्रॉस बी डिफाइंड एज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा, दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। साथ ही साथ यहाँ हम एक एन कैप लिखेंगे, एन कैप, आखिर ये एन कैप क्या है हम बताने वाले हैं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू में एन कैप, या तो बिना एरो के लिखोगे तो भी मैग्नीट्यूड है, एरो लगाते हो तो मोड लगाते हो तो भी मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर जिसका वैल्यू 4 है, ये कोई वेक्टर वैल्यू 2 है, और ये बीच का एंगल 30 डिग्री है, इसका नाम ए इसका नाम बी है। अब आपसे पूछेंगे ए क्रॉस बी का वैल्यू, तो आपका जवाब होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड है 4, बी का मैग्नीट्यूड है 2, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2। आंसर आप 4 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, 4 ठीक है, वैल्यू सही आया, लेकिन आप गौर कीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, जो जब दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। इसका मतलब ए क्रॉस बी करने पे जो 4 आया है इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, जैसे ए का डायरेक्शन इधर है बी का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों क्रॉस करने पे जो वैल्यू मिला उसका डायरेक्शन किधर है वो डायरेक्शन बताता है ये कौन सा कैप, एन कैप। वैल्यू आपका सही है लेकिन डायरेक्शन कौन बताता है, एन कैप। यानी एन कैप क्या बताता है आपका, एन कैप आपको बताता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, बताते हैं वो कैसे। याद रखिएगा ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट में हमेशा वैल्यू मिलता था, क्रॉस में आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ध्यान दें, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। एन कैप गिव्स, एन कैप क्या बताता है, गिव्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताएगा ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो एन कैप का काम क्या है, एन कैप हमें डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का, लेकिन एक बात आपको समझ में आ रहा है कि एन कैप जो है वो दोनों के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगा, यानी ए और बी को क्रॉस करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो ए के साथ भी 90 डिग्री पे होगा और बी के साथ भी 90 डिग्री पे होगा। समझने वाली बात, देखिए इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, इसका डायरेक्शन पता कैसे चलता है, ए क्रॉस बी किधर होगा। दो रूल है, नंबर वन राइट हैंड थंब रूल, पहले भी आप नाम सुन चुके हैं राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा है स्क्रू रूल। आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी पे बना के भी चेक कर सकते हो जो हम सिखाने वाले हैं। तो अभी ए क्रॉस बी का सिर्फ फॉर्मूला आपको समझ में आया है, ए क्रॉस बी नथिंग बट ए बी साइन थीटा, साथ में डायरेक्शन, एन कैप कुछ नहीं है, कैप लगा दिए हैं। कैप की खासियत यह है कि जिसके ऊपर कैप लगा वो यूनिट वेक्टर, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस क्यों आया है ये बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही आया और कुछ कारण से नहीं आया। इसका डायरेक्शन बताते कैसे है, और से क्या रूल से राइट हैंड थंब रूल, समझिएगा डायरेक्शन के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, ये लिखवाने वाला नहीं समझाने का चीज है। हमेशा कोशिश करेंगे अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और बीच का एंगल थीटा है, तो आपसे पूछेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा,
ए क्रॉस बी का वैल्यू नहीं, बस डायरेक्शन बताने की बात कर रहे हैं। तो अपना राइट हैंड ये मेरा राइट हैंड है, स्क्रीन पे आपको जो महसूस हो ये मेरा राइट हैंड, अपना राइट हैंड को वेक्टर ए की ओर फैलाइए इस तरह से। और मुट्ठी बंद कीजिए बी की ओर, मुट्ठी बंद करना है तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा ना वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। रिपीट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, अपने राइट हैंड को वेक्टर ए की ओर रखिए और मुट्ठी बंद कीजिए बी की ओर, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा ना वही डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी का। जैसे ए की ओर हाथ करके बी की ओर मुट्ठी बंद कीजिए तो अंगूठा बाहर क्यों आ रहा है, ये अंगूठा जो है वो दोनों के साथ 90 डिग्री पे है, गौर कीजिए ए के साथ भी 90 है, जो प्लेन है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए से भी 90 बी से भी 90 है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लिखेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ, मेरा बोर्ड है आपका पेपर है, एंड कमिंग आउट ऑफ, अभी पूरा लिख दे रहे हैं, ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लिख रहे हैं, तो क्या आप इसको ही कॉपी करोगे बोर्ड में। जैसे आपके अंदर से कई लोग बहुत गलती कर रहे हैं, अभी हम समझते हैं, बहुत आकार देखते तैर रहे हैं कॉन्सेप्ट, अभी हम समझा देंगे। ए क्रॉस बी के बजाय आपसे हम पूछते हैं इसी में, इधर ए रहता इधर बी रहता, हम आपसे पूछते बी क्रॉस ए, ध्यान दें आपके मन में कई सवाल आता, लोगों को बोलते हैं ए क्यों आता वो बी क्यों मुट्ठी बंद, ऐसे करता आपको अंगूठा छुपाना नहीं, आराम से अंगूठा नहीं बोलते बाहर के। कुछ लोगों के मन में सवाल आया कि भैया पहले हम इसको बताया था, इसके हम सवाल की और बात करें, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, राइट हैंड को बी की ओर रखिए राइट हैंड और ए की मुट्ठी बंद कीजिए, ये रहा बी की ओर, ए की मुट्ठी बंद ही नहीं हो रहा है, आपके मन में यह आ रहा कि ए की ओर बंद करना तो कहीं नहीं मस्त से घूम के इससे 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 इधर से बंद हो गया, कमिंग आउट। हमेशा राइट हैंड थंब रूल का नियम है कि हमेशा छोटे वाले एंगल की ओर मुट्ठी बंद होना चाहिए, जैसे ये नहीं कि इधर से मत आ जाइए, ये बड़ा एंगल है, ये एंगल छोटा है, तो हमेशा मुट्ठी छोटे वाले एंगल की ओर बंद होगा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का नियम, हमेशा मुट्ठी छोटे वाले एंगल की ओर बंद होगा, ठीक है। सवाल देखिए, बी की ओर हाथ ए की ओर मुट्ठी बंद, जैसे क्या उस समय ए की ओर हाथ रखे थे बी की ओर मुट्ठी बंद की क्षमता बाहर आया था, अभी बी क्रॉस ए है जो पहले उधर, बी क्यों हाथ ए क्यों मुट्ठी बंद, नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है, ना भूत है ना चुड़ैल, देखिए कैसे बंद होगा, वो चुड़ैल का हाथ उल्टा होता है, बंद ही नहीं हो रहा है, एक उपाय है ये बंद नहीं हो रहा तो हाथ को थोड़ा ऐसे घुमा लीजिए, अभी भी तो चारों उंगली जा रहा है बी की ओर, चारों उंगली बी की ओर, एक क्यों मुट्ठी बंद कीजिए, उल्टा अंदर क्यों ले रहा है, देखिए ऐसे कर लीजिए उल्टा बी की ओर था एक क्यों मुट्ठी बंद, उल्टा डाउनवर्ड जा रहा है आपकी कॉपी में, फिर से देखिए बी क्यों रखे एंड इधर से नहीं मुड़ रहा तो ऐसा हाथ रख लीजिएगा, पलट लीजिएगा आराम से पलटा जाता है, ये नहीं कि सोफिया लेफ्ट हैंड रख के बोले कमी ना जिसमें आसान था, नहीं बी क्यों हाथ रखे एक क्यों मुट्ठी बंद गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंगूठा अंदर क्यों जा रहा है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हमें तो छोटा एंगल से लेना है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, एक खास बात जो बी क्रॉस होगा वो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ए के साथ 90 भी और बी के साथ 90 भी, ये तो होना ही है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है किधर की ओर, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की ओर जा रहा है, समझ में आया, तो ये तरीका होता है डायरेक्शन पता करने का, जैसे आपसे हम कुछ डायरेक्शन पूछते हैं और देखते हैं कि आप इसको कैसे बताते हैं, मान लीजिए वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, सोच के बताइए पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन कमिंग आउट होगा या गोइंग इनटू, आप में से ऐसे कितने लोग हैं हाथ उठाएंगे जो इसको गोइंग इनटू मानते हैं, बी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन गोइंग इनटू, मेरा जैसे बना है वैसे ही कॉपी बना के चेक करेंगे, कॉपी बनाएंगे, आप में से कितने लोग हैं जो कि मानते हैं कि गोइंग इनटू है, कोई एक हम बोलेंगे तो दूसरा बाकी बचे हुए लोग हो जाएंगे, गोइंग इनटू कोई नहीं मानता है, सब कमिंग आउट मानता है, अरे पूछे नहीं है कमिंग, हम पूछ रहे हैं गोइंग इनटू कितने लोग मानते हैं, कितने लोग हैं जो गोइंग इनटू मानते हैं, बहुत सही आप जा रहे हैं, आप में से कोई नहीं मानता है गोइंग इनटू, क्योंकि पी की ओर आपने राइट हैंड रखा है, तो राइट हैंड पी की ओर, क्यू की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर की ओर, डायरेक्शन में जा रहा है कमिंग आउट,
सही है, कैसे टाइम से समझिएगा, कंसीडर क्रिएट हो सकता है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा हम पूछ रहे हैं आपसे वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस ए है सवाल मेरा। आप में से कितने लोग वेक्टर बी क्रॉस ए को कमिंग आउट मान रहे हैं? कमिंग आउट, कमिंग आउट वाले हाथ रेज करेंगे। एक हाथ उठा है कमिंग आउट में, एक हाथ उठा। कितने लोग कमिंग आउट मान रहे हैं इसको? दो लोग तो कम से कम, तीन लोग मान रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग कमिंग आउट नहीं मान, चार लोग मान रहे। देख लीजिए चेक करके, काफी लोग मान रहे हैं, यानी सब लोग मान रहे हैं कमिंग आउट, आठ नौ लोग मान रहे हैं। तो यो आपको बता दे कि आप जो मान रहे हैं, और कोई मान रहा है? दस लोग, नौ लोग मान रहे हैं अभी तक। कमिंग आउट या गोइंग इनटू, राइट एंड कम रूल, कमिंग आउट या गोइंग इनटू। ऐसी बात कहे लोगों को ठंडा लग रहा है। नौ लोग, एनीवन एल्स, कोई और है? ठीक है, तो जो मान रहे हैं वो ध्यान रखें, बी की ओर आपको राइट हैंड रखना है, और ए की कुछ भूल रही है आप में से कोई? तो यहाँ देखिए बी क्रॉस ए, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर का टेल जहां मिले उधर से एंगल आपको देना है। जैसे ये बी और ये ए, ए को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे ए पहुंचा, इधर आपको ये बी और इधर ए है, तो बी की ओर राइट हैंड और ए की ओर उल्टी बाजू, क्योंकि यही एंगल छोटा होगा, ये एंगल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बी से ए की ओर, बी की ओर हाथ, ए की ओर उल्टी बाजू, कमिंग आउट होगा आंसर। तो आप कितने लोग, नौ लोग थे, आठ लोग, आंसर हो जाएगा कमिंग आउट। तो जब भी कभी एक का हेड एक का टेल आए तो आप उसके टेल को बढ़ाइए आगे, तो ये बी ये एंगल होगा, छोटा वाला एंगल ये कहलाएगा, ये देखिए इधर से ये एंगल हो गया, हेड और टेल नहीं मिला, टेल टेल मिलना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्शन का बात हो रहा अभी से, ठीक है? हाँ तो गिरा लीजिए आप, ये डायरेक्शन का बात हो रहा था। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, अभी और बात करते हैं। अभी हम बताए हैं राइट हैंड थंब रूल, अब हम बताने जा रहे हैं आपको स्क्रू रूल। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स आपको बनते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा आपका ये सिलेबस, फिर आप बच पाइएगा। मिट्टू है तुम्हें? ठीक है, अभी एसी बंद कर दिया तुम्हारी, तुमको भाई बुखार उखार हो जाता है। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, अब इसको मिटाते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। दूसरा रूल है स्क्रू रूल। स्क्रू तो आप जानते हो, नट वट आप टाइट करते हो, स्क्रू पेचकस आप जानते हो, कम से कम किससे आप कसते हो नट वट। देखो इसका रूल क्या है, ये सिंपल सा रूल है, इसको समझिए। इसका उत्तर यूज नहीं करना, राइट हैंड थंब रूल लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसका वही मतलब हुआ कि स्ट्रेच योर फोर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड कर्ल देम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, देन द स्ट्रेच डायरेक्शन ऑफ थंब या द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा एयर किसके, बी के। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं, इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड कर्ल देम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, देन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी व्हिच विल परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब जो आपको फेंकना है तो फेंक सकते हैं, मतलब वही निकलना चाहिए। समझ में आ रहा बात मेरा? तो ये लिखने नहीं आता, लेकिन आपको शौक हो तो आप फेंक सकते हैं। खैर दो बार बोल दिए, बार बार नहीं बोलेंगे आप, हम तीसरा बोलेंगे तो कुछ और सेंटेंस बोल देंगे। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये सिंपल सा रूल होता है, जैसे समझिए, ये मान लीजिए आपको बोला है ए और बी, तो आपको अगर पूछता है कोई ए क्रॉस बी यानी ए से बी की ओर, तो आप ये समझिए यहाँ पे एक नट रखा हुआ है स्क्रू, तो आपने कॉपी में अपने पेन को, आपका पेन है, पेन को आप पेचकस समझिए,
जो स्क्रू टाइट करते हैं, स्क्रू टाइट कर, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखिए, समझ लीजिए नट है यहाँ पे, ठीक है, और इसको टाइट कीजिए, टाइट करने, टाइट नहीं करना है, घुमाना है, ए क्रॉस किए तो ए से बी क्यों घुमाइए, पिच कर उसको ए से बी क्यों, ऐसे घुमा दे, ऐसे 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 घुमा दे, ठीक है, तो बताइए ऐसे करने पे, ऐसे करने पे नट खुलेगा या बंद होगा, एंटी क्लॉक वाइज, इस बार ए क्रॉस किया आपका एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, देखिए ऐसे है, पेचकस यहाँ रखे हैं आप यहाँ पे नट के ऊपर, और इसको ऐसे से घुमा रहे हैं, ऐसे 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 एंटी क्लॉक वाइज, तो नट खुलेगा कि बंद होगा, ऐसे से करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है खुलेगा, किसी के मन में उल्टा कॉन्सेप्ट तो हम ले जानते हैं, बचपन से नट आप डॉक्टरों को खोल रहे हैं ना, एंटी क्लॉक वाइज खुलता है, कुछ कुछ ऐसा डिवाइस बन गया है कुछ कुछ ही उसमें उल्टा कर दिया, ऐसे बेसिकली एंटी क्लॉक वाइज कोई भी चीज खुलता है, और जब कुछ खुलता है तो किधर की ओर आता है, बाहर की ओर, इसीलिए इसका डायरेक्शन कमिंग आउट, क्योंकि नट बाहर की ओर आया खुल के, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्क्रू होल, जैसे बी क्रॉस है वही नट वही पेचकस, अब बी से क्यों आना है, बी से ए की ओर, बी क्रॉस है तो बी से ए की ओर आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये तो टाइट हो रहा है, टाइट होने में कुछ एंगल जुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम ये हो गया अब क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज में क्या हो जाएगा बताओ, गोइंग इनटू बड़ा आसान लगा आपको, लेकिन आपको काम वही देने वाला है, राइट हैंड थंब, अभी आपको हर जगह इतना आसान नहीं रहेगा, डायरेक्शन बदलते रहेगा, अगला मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं उसे समझाने के लिए, अब एक बात समझिए और सिर्फ एक मिनट का बात, तो आपको स्क्रू में कुछ नहीं करना है, स्क्रू बाहर की ओर आया तो कमिंग आउट, स्क्रू अंदर जुड़ जाओ तो गोइंग इनटू, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की ओर आता है, क्लॉकवाइज में अंदर की, देखिए अगर आपका हम पूछ रहे थे वेक्टर ए और बी अगर यही था, तो अगर ए क्रॉस बी आपसे हम पूछते तो आपका जवाब होता ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप की जगह पे आप ऐसे बोल सकते थे कमिंग आउट, डायरेक्शन लिख दे रहे कमिंग आउट, और अगर हम बोलते बी क्रॉस ए का वैल्यू तो आप बोलते बी ए साइन थीटा, लेकिन ये हो जाता है गोइंग इनटू, यानी कि ए क्रॉस बी भी वेक्टर है, बी क्रॉस बी वेक्टर है, दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी कहे जाएंगे जब दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसका मतलब ये कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इक्वल बता सकते हैं हम क्या बोले आपको, क्योंकि भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइड का भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कौन सा लॉ फॉलो नहीं कर पाते हैं हम लोग बताइए, कम्यूटेटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कौन सा लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये आप ध्यान रखेंगे, हाँ ये कोई बोलेगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या बी क्रॉस ए के, आप बोलेगा सही बोले आप, बिल्कुल इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ऐसे कोई वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो सेम नहीं है, एक और बात, ए क्रॉस बी कोई बोलेगा जैसे ए क्रॉस बी का वैल्यू सेम नहीं था, ए क्रॉस बी अगर बोलेगा इक्वल लिखना है बी क्रॉस ए को, इक्वल लिखना है तो आप बोलिएगा तब तो आपको यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस, माइनस साइन क्या बताता है, इन दोनों का वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो ये सब आप ध्यान रखें, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, इक्वल लिखना है तो आपको एक्स्ट्रा में क्या लगाना होगा, एक माइनस, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अब हम सिर्फ क्रॉस के बारे में डिटेल में आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं, अलग अलग तरीका बताने वाले हैं काफी कुछ क्रॉस के ऊपर, पूरा एक घंटा क्रॉस का जानकारी देंगे एक क्लास, और फिर अगले एक क्लास में पूरा डॉट और क्रॉस का मिला के किसी बताएंगे डायरेक्शन कोसाइन पोजीशन वेक्टर और कुछ कुछ सिखाएंगे आपको, तो आज इतना ही होगा, फिलहाल आप उसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, उसके बाद हम आपसे अगले क्लास बात करेंगे।
और मंडे से आपका बैकअप क्लास भी चालू हो जा रहा है, तो आप बैकअप क्लास में नया बैच ही है तो पढ़ रहे हैं उनके लिए बैकअप हो जाए। जिन शॉट ले लिए हम लोग आज के लिए, आपको हम बाय बोलते हैं क्योंकि मैं अगला मीटिंग लेना है 12th का।